Hello and a big welcome to the Wellness Show. Ji haan, a show that has everything you need to know to improve your health, your fitness and your well-being. Every Sunday morning we are here with you at 9:30 till 11 AM. My name is Yasmin Qureshi. और आज की बात जो हम करेंगे वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन इस वीक का जो टॉपिक ऑफ द वीक था वो आप सबको मालूम है. जी हाँ, फ्राइडे इट वॉज अ डे ऑफ पोलिटिकल टर्मोइल फॉर ब्रिटेन, फॉर अस, एंड ब्रिटेन हैज़ टेकन अन हिस्टोरिक डिसीजन. जी हाँ, हम लोग निकल आए हैं उस फैमिली से, उसको डिवोर्स दे दिए जिसको कहते हैं EU, और कैमरॉन ने रिज़ाइन कर दिया है. पाउंड इज़ प्लमेटिंग एंड फॉर सम इज डूम एंड ग्लूम, फॉर अदर्स इज ए मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस. ओनली टाइम विल टेल दैट हु वाज राइट. लेकिन हम अपने इस कंट्री को कहेंगे कि वी विश आवर कंट्री अ वेरी हैप्पी फ्यूचर एंड अ वेरी हेल्थी इकोनॉमी. बात हेल्थ की हो रही है, फिर हम वापस जाते हैं अपने, दिल तो चाह रहा है कि आज इसी पे हम बात करें, लेकिन हम बात करते हैं हेल्थ की, आपकी हेल्थ की, आपकी वेलबींग की. तो हम लेकर आते हैं अपना आज का टॉपिक. जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही पेनफुल होती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, जो कि हमें ज़्यादातर जो कि आदमियों को इफेक्ट करता है. इसके लिए बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो कि बहुत ही यहाँ के क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंसड डॉक्टर हैं. उनसे बात करते हैं. ये हैं डॉक्टर PV कुमार. आइए उनको वेलकम करते हैं. हेलो, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब. थैंक यू. जी, यू हैव कम आफ्टर लॉन्ग टाइम इन आवर प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम वेरी ग्रेटफुल. नहीं, यू वेलकम. अच्छा, तो फिर बात हम कर रहे हैं आज गाउट की. दिल तो चाह रहा था पॉलिटिक्स पे बात करें, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी हेल्थ की. जी हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग था. जी, आई विल स्टार्ट विद रमजान. अच्छा, गाउट इज ए डिजीज, ये बीमारी है. कबाबी, शराबी, शबाबी. कबाबी, शराबी, मैं शबाबी नहीं कहूँगा. हाँ, पर नवाबों की बीमारी. नवाबी बीमारी. हाँ, वेरी गुड. जी हाँ, जो लोग बहुत मोटे थे, हेल्दी थे, शराब पीते थे, खूब रिच फूड खाते थे, ये उनमें ज्यादा थी. इट वॉज कॉल्ड डिजीज ऑफ द रिच पीपल. रूमेटिज्म एक और बीमारी थी, वो कहते थे डिजीज ऑफ द पुअर पीपल. अच्छा, इसको कहते थे डिजीज ऑफ द रिच पीपल. 2700 years ago डायग्नोज करी गई थी इजिप्शियंस ने और हिप्पोक्रेटिस जो ग्रीक थे, फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने भी इसके बारे में बताया. ये बीमारी नई नहीं है, पर आजकल सभी रिच फूड खाते हैं. तो ये बीमारी पहले वेजिटेरियन में कम थी. हाँ, जो राइस खाते हैं, जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, अब तो सब जगह फैलती जा रही. अच्छा. In fact, it has doubled in the last 30 years in this country, you're quite right. Yeah. America mein 30% population is having gout. Really? Pehle thi about 1%. Achha. On an average. So, ye jo condition hai, it's extremely painful condition. If you have gout and if you don't get an appointment with the GP, wo aapko maaf nahi karega. और वो चल नहीं सकते. अच्छा. कोई साथ वहाँ चल रहा हो, हिलने से भी उनको पेन शुरू हो जाता है. इट्स सो एक्सक्रूशिएटिंग पेन. अच्छा, वैसे मैंने पता नहीं क्यों ऐसी बात है कि मैंने अभी तक किसी को ऐसे देखा नहीं है, लेकिन आप क्या, हम आई मीन जो स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़े हैं वो यही कहते हैं कि इट्स वेरी कॉमन नाउडेज. इट इज क्वाइट कॉमन एंड इट्स स्पेशली फॉर मेन, यू नो 90% ऑफ गाउट सफरर्स दे आर मेन बिटवीन द एजेस ऑफ मे बी 45 to 65, मिडिल एजड. या मिडिल एजड मैन. मिडिल एज बड़ी मुश्किल है कि एशियन में मिडिल एज जल्दी आ जाती है, क्योंकि ओल्ड एज भी जल्दी आ जाती है, पर usually middle age is 45 to 65. इस एज में ज्यादा कौन सबसे ज्यादा vulnerable लोग हैं. हाँ जी, और औरतों में कम है. तो ऐसा क्यों है कि आदमियों में क्यों ज्यादा है? Nobody knows. अच्छा. They are studying, but they haven't got the answers. अच्छा. पर क्योंकि post menopausal women में
काफी बढ़ जाती है, उनको अभी तक रिसर्च चल रही है बट दे डोंट नो। तो अभी इस पे डिटेल से बात करेंगे, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा जो है क्वेश्चन है इस इशू के बारे में, या कोई और भी ऐसा इशू है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।